नमस्कार, बातें दिल की सीजन टू के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रिचा अनुरोध और ये सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं स्लीवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है ग्रीविंग। ग्रीविंग कह सकते हैं अपने दुख को व्यक्त करना, शोक को प्रकट करना। और बहुत बार हमसे कहा जाता है कि अरे रोने की क्या जरूरत है, इतना सा ही तो नुकसान हुआ है, या कई तरह से हमें बहलाने की कोशिश की जाती है। और ऐसे में हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए ग्रीविंग कितना जरूरी पहलू है। कितना जरूरी है कि हम जिस दुख को महसूस कर रहे हैं उसको व्यक्त भी करें, उसको बाहर भी निकालें। तो दुख को व्यक्त करने से जुड़े हुए सारे पहलुओं पर हमारे साथ आज बात करने के लिए जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर ममता वैश। ममता जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं थोड़ा सा मुश्किल है। ग्रीफ या ग्रीविंग या दुख व्यक्त करना अपना, लोगों को लगता है आमतौर पर कि रोने से ही बस दुख व्यक्त हो जाता है, ग्रीविंग हो जाती है। और कंडीशनिंग हमारी ये होती है कि रो मत, स्ट्रांग बनो। तो बहुत सारे पहलू आज हम ग्रीविंग के आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं समझना चाहती हूँ कि ग्रीफ, शोक या दुख किस किस तरह का होता है। क्योंकि क्या सिर्फ किसी व्यक्ति, हमारे किसी करीबी के चले जाने का ही दुख होता है, ग्रीफ होता है, या और भी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं? सुरिचा बिल्कुल ठीक कह रही है, स्ट्रांग बने रहो। और आजकल एक काफी यूज होने वाला शब्द है पॉजिटिव रहो, थिंक पॉजिटिव, अच्छा ही सोचो, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। तो यानी अगर अपनी भावनाओं को हम महसूस करते हैं और वो भावनाएं ऐसी हैं जैसे कि दुख या गुस्सा या कोई भी परेशानी, तो उसको हम नकारात्मक कहकर और ऐसा बना देते हैं जैसे कि जो महसूस कर रहा है वो कुछ गलत महसूस कर रहा है। ये चर्चा शुरू करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा ये बता पाऊं कि असल में शोक या किसी भी किस्म का दुख, उसका मतलब क्या है। मतलब ज्यादातर हम सोचते हैं कि इसका संबंध सिर्फ उस किसी की मृत्यु से है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो लॉसेस हैं, हमारी जो क्षति है, वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। और कभी कभी हम इसलिए भी नहीं अपना शोक व्यक्त कर पाते क्योंकि हमें लगता है अरे कोई मरा थोड़ी है जो अब हमें इतना रोना चाहिए, अरे कोई दूर ही दूसरे शहर में ही तो गया है, किसी का बच्चा पढ़ने ही तो गया है। तो ऐसे तरह तरह की चीजें होती हैं। अगर हम ये समझ लें कि हम ये जो एक दुख है वो हर बार तब महसूस करते हैं जब हम कोई चीज को खोते हैं, और वो खोना बहुत कॉन्क्रीट या पकड़ में आने वाली चीज जरूरी नहीं है। वो खोना कई बार ऐसे भी होता है जैसे युवा अवस्था का खोना, पहली बार ऐसा लगे कि मैं कान से नहीं सुन पा रही ठीक से, या मेरी एनर्जी कम हो रही है, जैसे बुढ़ापे की अवस्था का आना, तो वो भी एक दौर होता है जिसमें लोगों को घबराहट, अफसोस। तो अगर हम ये कहें अरे ये तो बड़ा स्वाभाविक है, हर किसी पे आता है ना बुढ़ापा, तो इसमें क्या, एक पॉजिटिव, अच्छा सोचो भाई क्या है, तो हम दूसरे के जो भावनाएं हैं उनके लिए बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, उनका कदर नहीं कर रहे। और जब कदर नहीं करते तो दूसरा अपनी परेशानियां हमसे शेयर नहीं कर पाता जी। तो युवा अवस्था का खोना भी एक ऐसी चीज है जो एक एक क्षति की तरह है, एक एक कुछ खोया। इसी तरह ऋचा, कभी कभी कोई इंसान हमारे सामने होता है, हमारा प्रियजन, लेकिन वो हमारे लिए रिश्ते में गायब हो जाता है, या तो किसी मानसिक रोग की वजह से, या फिर जैसे कोमा में चले गए, ब्रेन डैमेज हो गया, तो वो रिश्ते में अब मौजूद नहीं है। हमें उनसे वो जो एक इंटरैक्शन था, जो एक एक मिलता था कुछ, वो मिलना बंद हो जाता है, चाहे वो हमारी नजरों के सामने है। वो भी एक एक किस्म का खोना है, क्योंकि उसके लिए कोई हमारे पास आके ये नहीं कहता ओ बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन हमें पता है हमारे अंदर क्या खो गया, कितना गहरा दुख हो गया। जैसे किसी को अगर मान लीजिए
इवन कोई दुर्घटना में हाथ पैर नहीं चल पा रहे या कोई स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गई, तो वो जो आप हैं वहां पे, सब आपको कहेंगे अरे शुक्र मनाइए, जान तो बच गई आपकी, बच गई, जी जी जी, है ना। लेकिन उससे पूछिए कि चल ना पाना और अपनी नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स ना कर पाना, उससे कितना दुख हो रहा है। यू नो कितनी बार देखा गया है लोग रिटायर होते हैं जब सर्विस से, सेवानिवृत्त होते हैं, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनसे तो ये कहा जाएगा कि भाई ठीक है, सबको पता है 60 साल की उम्र में रिटायर होना ही है, लेकिन उस इंसान को पता है ना कि वो जो ओहदे का खोना है उसके संग क्या क्या आता था। यू नो एक पावर का एहसास, एक अपने अंदर पूरा होना, अपनी एक जरूरत समाज में जो थी, वो सब हम जब खोते हैं तो एक जो दुख होता है। और इसी तरह यू नो तलाक या सेपरेशन से अपने स्पाउस का, पति या पत्नी का चले जाना, तो जिसने चाहा होता है तलाक ना, उसको भी दुख होता है। वो हो सकता है अपने पार्टनर को याद ना करे, पर वो जो एक नॉर्मल सी लॉस, सेंस ऑफ लॉस होता है, लॉस तो फिर भी है, वो जो एक रूटीन, एक नॉर्मल सी थी, उसका एक और जो बहुत बड़ा मतलब दुख देने की चीज होती है जिस पे गुजरी है उसको भी, और जो आसपास के लोग हैं उनको प्रेम करने वाले, उनके करीबी रिश्तेदार, उनको भी। वो है जब किसी लाइलाज बीमारी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल इलनेस, उसका डायग्नोज होना। तो वो एक बहुत गहरा दुख उससे भी पहुंचता है। तो ये तरह तरह के की क्षति हैं जिनमें ग्रीविंग की, अफसोस मनाने की, शोक करने की जरूरत पड़ती है। जी ममता जी, तो मुझे ये समझ में आया आपकी बातों से कि हम अक्सर ग्रीफ को सिर्फ किसी की मृत्यु से ही जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जहां दुखी इंसान को हम ये तो कह देते हैं कि अरे इसमें क्या बात हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन हमें उसको कायदे से अनुमति देनी चाहिए कि वो ग्रीव कर पाए, अपना जो भी दुख है, अपना जो भी शोक है, उसको प्रकट कर पाए। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ग्रीविंग हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि बातें दिल की में हमारा सारा कॉन्वर्सेशन इज अराउंड मेंटल हेल्थ। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ग्रीव? शोक जो है उसका वो महसूस तो सबको होता है, सबके जीवन में कोई कारण तो आता है, लेकिन उसको ठीक तरह से शोक करके और एक पूरी हेल्थ की तरफ जाने के लिए थोड़ा हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कभी सोचा ना हो शायद, कि हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, उसमें असल में ये शोक मनाने की बहुत विधियां, बहुत रिचुअल्स यू नो बने हुए हैं। चाहे किसी की मृत्यु के बाद हो, या मैं, मुझे एक बार ऐसे जैसे ख्याल आया कि इवन जैसे बेटी की शादी होती है, विदाई का पूरा एक वक्त है यू नो, और उसमें ये एक माना जाता है कि हाँ सब रोएंगे, रोने दो, तो क्योंकि एक किस्म का कुछ छूट रहा है ना आपसे, उस बेटी से भी कुछ छूट रहा है और उसके परिवार वालों से भी छूट रहा है। सो अगर देखा जाए तो हमारे समाज में है जगह इसकी। एक पिक्चर आई थी अगर आपको याद हो, रुदाली, राजस्थान में कैसे कुछ लोगों का ये काम ही है कि रोया जाता है किसी की मृत्यु के बाद। पर जैसे आपने कहा, कंडीशनिंग ये हो जाती है कि रो मत, पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ो, और या फिर जैसे कि लड़के तो बिल्कुल भी ना रोएं, और जो नहीं रोते हैं उन लोगों को काफी स्ट्रांग माना जाता है, ओ ये तो बहुत बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, एक तो बिल्कुल एक आंसू भी नहीं बहाया।
लेकिन उससे अंदर अंदर क्या हो रहा है, क्या होता है, ये बिल्कुल कभी बेवजह किसी छोटी सी बात पे आंसू आ जाना और समझना समझ नहीं पाना कि ये आंसू का कारण क्या था, खुद ही नहीं समझ आता। और कई बार देखने सुनने वाले भी सोचते हैं इतनी छोटी बात पे रोना आ गया, कभी कोई खबर पड़ गई अखबार में और आंसू निकल आए जी, जिससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आ जाते बिल्कुल भी नहीं, पर वो बस एक आपको सिग्नल दे रहे हैं कि अंदर कहीं चोट है जो अभी भरी नहीं है। और हेल्थ पे तो खैर असर आता ही है, हम सबको पता है, किसी को सिर दर्द होता है तो किसी को पेट दर्द, किसी को एसिडिटी, कितनी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि डॉक्टर्स कहते हैं सब ठीक है, लेकिन कहीं वो जुड़े होते हैं किसी ना किसी दुख से। कभी कभी कहाँ भी जाता है, किसी को गम खा गया, उसका मतलब क्या है, यही है ना कि हम कहीं पे उस दर्द को अपने अंदर ले गए और इतना अंदर ले गए कि लगा कि हम भूल गए और हमें दर्द है ही नहीं, लेकिन वो किस किस तरह से निकल के आता है। दुख को प्रोसेस करने की ये जो एक प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम माने कि हमें दुख हो रहा है, वो पहला कदम है, ना कि ये सोचना कि जैसे किसी की डेथ हुई और वो बड़ी उम्र के थे तो ये सोच लिया कि कोई नहीं बहुत अच्छी जिंदगी जिए, तो हम उस समय अपने दुख को नहीं टच करते, उस समय बहला लेते हैं खुद को, खुद को बहला लेते हैं। तो सबसे पहला कदम तो यही है कि माने कि हमें तकलीफ हो रही है उसके जाने से, फिर आता है उसको स्वीकारना, ना कि जैसे डाइवर्ट करना अटेंशन कि भाई खूब लोगों से मिल लिए, पिक्चर देख ली, मन बहला लिया, कोई सोने की दवा खा ली, तो कैसे इन चीजों से भी हम अपने इस वास्तविकता को से मुंह मोड़ते हैं, उसको स्वीकारते नहीं है कि ये दुख है, हमें ये चीज एक प्रोसेस का सेकंड स्टेप है। पहला है मानना कि मुझे दुख हो रहा है, दूसरा है कि उसको फील करना, तकलीफ होती है उस दर्द को का अनुभव करने को ना, इसलिए हम उससे भागते हैं, तो वो भागे ना, कहीं भी उसको फेस करें, अपने को डिस्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि कई बार लोगों की एडवाइस भी यही होती है कि अरे थोड़ा लोगों से मिल लो, कुछ कर लो, मन बहल जाएगा, ध्यान भटकाओ अपना। हाँ बिल्कुल। फिर तीसरी स्टेज आती है जब हम अपने इस बदले हुए वातावरण से कैसे एडजस्ट करें, जिसका मतलब है वो इंसान जिसकी हम कमी महसूस कर रहे हैं, या मान लीजिए हमने कोई मतलब कोई रिश्ता मृत्यु की वजह से नहीं वैसे खो दिया, या कोई हमारे सपने टूट गए, अब हमें मानना पड़ेगा हम वो एक नौकरी चाह रहे थे अब नहीं मिल सकती, नो आ गया इंटरव्यू देने के बाद, हमारी जो हकीकत है वो बदल गई है, अब इससे हम उम्मीद नहीं कर सकते, तो उस बदली हुई हकीकत से हम कैसे एडजस्ट करें, चाहे वो टूटी हुई शादी हो, चाहे कोई दोस्ती छूट गई हो, चाहे कोई सपना टूट गया हो, चाहे कोई नौकरी ना रही हो, जो भी, तो वो जो बदली हुई हकीकत है उसको से अब हम कैसे एडजस्ट करें, तो वो एक स्टेज आती है, वो बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें ना बहुत कॉन्शियसली हम नहीं करते हैं, कई बार अपने आप हो रही होती हैं, पर अगर अपने आप नहीं हो रही हैं और हम उनसे भाग रहे हैं और बेवजह हमारे आंसू गलत वक्त पे निकल रहे हैं, इसका मतलब है हमें गौर करने की जरूरत है। फिर चौथा और फाइनल स्टेज आता है कि अब हम एक नई जो नए और परमानेंट अब कनेक्शंस बनाए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई नहीं रहा तो हम उसकी अच्छी बातों से को याद कर पाए, या कोई
रिश्ते से जुड़ी यादों से कनेक्ट कर पाएं, जो यादें अच्छी हैं। तो ये जो स्टेज होती है ना, जिसमें दुख हमारा एक नया रूप ले लेता है, और उस नए रूप में अब ये नहीं है कि हम सिर्फ जो हमें कष्ट हुआ उसको याद कर रहे हैं, लेकिन अब हम उससे जुड़ी हुई अच्छी अच्छी यादों से को याद कर सकते हैं। लेकिन कई लोग तकलीफ से बचने के लिए एकदम स्टेज पे आ जाते हैं, और जो एकदम स्टेज पे आते हैं, इसका मतलब दुख का अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ और वो अंदर है और वो निकल निकल के आएगा। तो वो तो मतलब पेनफुल एंड लॉन्ग है, पर पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है जी। उसका एक्सप्रेशन ज्यादातर आमतौर पर रोने से ही होता है, आंसू निकल कर ही वो ठीक से एक्सप्रेस हो पाता है। आंसू निकल कर होता है, और ऋचा लोगों से बात करके बहुत जरूरी है कि हम जिन पे विश्वास करते हैं अगर उनसे बात कर पाए। पर किसी किसी के जीवन में कई बार ऐसे रिश्तों का अभाव होता है, तो हम अगर डायरी में लिख पाए उससे भी हमारे अंदर की जो भरा हुआ है मन, वो थोड़ा हल्का होता है। तो किसी भी तरह निकालना तो पड़ेगा अपने थॉट्स को बाहर। तो ममता जी, ऐसे में आप सोचिए, अभी हम लोग उस मुश्किल दौर से पूरी तरह से निकले नहीं हैं, कोविड की मैं बात कर रही हूँ, लोगों को अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला। कई लोगों ने ये देखा कि माता पिता की मृत्यु हो गई लेकिन बच्चे अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए क्योंकि इधर भी कोविड उधर भी कोविड, लॉकडाउन है, तो बहुत तरह के दुख लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और कोई दुख आया उससे डील कर पाते तब तक पता चला किसी और की मृत्यु की खबर आ गई, उसको हैंडल कर पाते तब तक किसी की नौकरी जाने की खबर आ गई। तो इतने तरह से दुख आ रहे थे और ग्रीव नहीं कर पा रहे थे। तो आपको ये लगा है कि हम पूरी सोसाइटी के तौर पर हम सबकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ने वाला है इसका, अगर हमने इसको ठीक से डील नहीं किया? बिल्कुल सही आप कह रही हैं ऋचा, क्योंकि वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जैसे मैं संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ के लिए काम करती हूँ, कि कितने हमारे यहाँ लोग अप्रोच कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए। कोविड के ख़त्म होने के बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एक बहुत बड़ा एरिया हो जाएंगे विच विल नीड अटेंशन, इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा हम लोग इसकी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, जैसे आपका ये प्रोग्राम है, उतना ज़्यादा लोगों को ये समझ आएगा कि अगर हमें कुछ हो रहा है तो वो नेचुरल है और हमें अपनी देखभाल करनी ही चाहिए। और ये जो हमारा एक पूरा समाज की एक अप्रोच है ना, कि बस आगे बढ़ो, काम में मन लगाओ, ये सब मत सोचो, ये सोचना फिजूल है, इससे तकलीफें असल में ज़्यादा बढ़ती हैं। एंड इसमें ऋचा थोड़ा ये भी है, अपना ख्याल करना सबको आता भी नहीं है। कई बार हम अपना ख्याल जैसे सोच रहे करना चाहिए वो शायद गलत हो। जैसे मैंने कहा कि अपने को बहुत व्यस्त कर लेना, कई बार वो मन हमारा उस पर फोकस नहीं कर पाता तो हम सोचते हम सही हो रहे हैं, पर वो जो खाली वक्त हम अपने को देते हैं जिसमें हम इस अपनी फीलिंग पे ध्यान दे पाते हैं, वो हमें इतना लो कर देती है, इतना और तकलीफ का जो अनुभव है उससे हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है हम ये जो कर रहे हैं गलत है। असल में ये बिल्कुल ऐसे है जैसे घाव की सफाई, तो जब डिटॉल से रगड़ के घाव को साफ करते हैं तो उस समय तकलीफ ज्यादा होती है, तो ये मतलब थोड़ी है कि डिटॉल नहीं लगाना है। उसका ये मतलब है कि पहली स्टेज में तो जलन और तकलीफ होएगी, पर तभी सफाई के बाद हीलिंग होएगी। तो इसी तरह जब हम अपने को वक्त देते हैं कि अभी हमें दूसरों के सामने हंसना ज़रूरी नहीं है, हमें लोगों से मिलना ज़रूरी नहीं है अगर हम लो फील कर रहे हैं, हमें अपने को ये अंडरस्टैंडिंग देनी है कि हमारे ऊपर जो गुजरा है इस समय हमें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, और वो रेस्ट केवल शारीरिक आराम नहीं है, वो मानसिक आराम है, इमोशनल आराम है,
तो वो हम अपने को दें बिना गिल्ट के, बिना आत्मग्लानी के। जी ममता जी, यहाँ पर ना इस समय खासकर एक और सिचुएशन आ रही है कि हमें से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं अपने आसपास किसी को, अपने किसी करीबी को जिसने बहुत लोगों को खोया है या नौकरी गई है, किसी सदमे से उभर रहा है, हम क्या करें और क्या ना करें उसकी ग्रीविंग में ताकि उसको मदद मिले। ऋचा, ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों को कई बार, जैसे आपने शुरू में ही कहा, कंडीशनिंग सोसाइटी की, तो हमें दूसरे का दुख सुनना नहीं आता। हम फौरन ये कहना चाहते हैं, चलो शुक्र मनाओ, ये तो नहीं हुआ, या अच्छा चलो अब इससे उभरो। मतलब हमारे अंदर दूसरे का दुख देख के कुछ होता है, एक तकलीफ होती है शायद, और हम सोचते हैं हम दूसरे को उस तकलीफ से बचा रहे हैं, पर असल में हम अपने को उस तकलीफ से शायद बचाते हैं। तो हम जल्दी से दूसरे को ना ढाढ़स बंधाने में लग जाते हैं। यू नो, बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी माँ का अगर एक बच्चा गया हो तो हम कहें चलो दो तो और है ना, कैसा लगता है सुनना, पर हम ऐसा ही कुछ कर रहे होते हैं। और लोगों को ना बहुत प्रोत्साहित करने की कोशिश, और पॉजिटिव सोचो, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा, ये सब कहना चाहते हैं। असल में दूसरे का दुख कम करने के लिए हमें सिर्फ उनको सुनना है, हमें सिर्फ उनको एक जगह देनी है उनके साथ बैठकर बात करने की, और जिसमें हम कहें तो बहुत तकलीफ हुई होगी, कैसा लगा तुमको, तुम उससे मिल पाई थी क्या। तो हमें लगता है हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरे को ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, पर असल में ये बातें करके हम दूसरे को एक मौका देते हैं कि वो अपने अंदर से दुख को निकाल पाए, और हम उसको कोई तसल्ली, झूठी तसल्ली ना दें जिसमें उसको आंसू बहाने में ये ना लगे मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो वो हम अगर एक मौका दे पाए तो दूसरे की मदद वाकई हो पाएगी, और ऐसा सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, कोई भी किसी का दुख या अफसोस है हम उससे बात कर पाए। जी, किसी की नौकरी चली जाए तो हम ये ना कहें अरे कोई बात नहीं और दूसरी मिल जाएगी, और मिल जाएगी, ये हो जाएगा और हो जाएगा। किसी का रिलेशनशिप टूटे तो हम कहें अब कोई और नया व्यक्ति मिल जाएगा। मुझे लगता है वो स्पेस हमें उस व्यक्ति को देनी चाहिए जब वो अपना उस दुख को डील कर रहा है, ग्रीव कर रहा है। सिर्फ इतना कहना कि अरे तुम्हें बड़ा दुख हो रहा होगा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा, बस इतना कुछ कहो तो दूसरे को ऐसा लगता है किसी ने समझा तो मेरी तकलीफ को, और उससे बहुत चैन पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने सीख आज हम सबको दिए, और हमको ऐसा लगता है कि हम दूसरे से कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं और ये हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज इस कॉन्वर्सेशन से मिला है। चलते चलते ममता जी, हम में से जितने भी लोग, मैं लगातार कोविड की भी बात कर रही हूँ, लेकिन वैसे भी किसी ग्रीफ से डील कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपना शोक, अपना दुख व्यक्त नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को आप क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे? मैसेज यही है कि दुख हमारे जीवन में आना बहुत नेचुरल है, लेकिन उस दुख को महसूस करके उससे मुक्त होना वो हमारे हाथ में है, और वो तभी होगा जब हम मान जाएं कि हम को कष्ट हो रहा है, और उसमें हमें कोई गिल्ट ना हो कि अरे दूसरे के दुख से के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, हमारा दुख हमारे लिए है ना। और उसको हम उस समय अपने आप को हम प्रायोरिटी दें, हम बात करें और अपने को अहमियत दें, और अपनी अपनी देखरेख करें, अपनी शारीरिक मानसिक देखरेख करें, अपनी हेल्थ का ध्यान करें, और जिस भी तरह से अपना उस समय ख्याल कर सकें। जैसे कि किसी अगर हमारे जानकार को चोट पहुंचती है तो हम उसकी ख्याल करते हैं ना, कहते हैं लो पानी लो, आराम करो, डॉक्टर बुलाऊं क्या। इसी तरह किसी भी किस्म का शोक असल में हमारी आत्मा को एक चोट पहुंचती है। तो अगर जो हम ख्याल किसी की शारीरिक चोट को देते हैं वो ख्याल हम अपने को दे पाएं जिस समय हमारी आत्मा को ये ठेस पहुंची,
तो वो बहुत आवश्यक है और उसी से धीरे धीरे वक्त लगता है, हर एक को अलग अलग वक्त लगता है। इस पे डिपेंड करता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपका कितना जुड़ाव था जी उस चीज से जो आपको आप खोए हैं, तो वक्त लगेगा। कोई ये नहीं कह सकता अरे अब तो एक साल हो गया अब तो भर जाना चाहिए था, वो नहीं, अपना अपना सबका वक्त लगेगा। ममता जी, आज मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ, व्यूअर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपसे बात करके मुझे अपने लिए बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। कोविड के दौरान मैंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को खोया और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ग्रीविंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो लगातार इतनी खबरें आ रही थी, दूसरा हम लोग चूंकि पब्लिक उसमें है, पब्लिक डोमेन में रहते हैं, तो हम इन कोशिशों में ज्यादा लगे थे कि कहाँ ऑक्सीजन की कमी है, कहाँ किसकी मदद कर दें। तो वो जो एक मेरा पर्सनल लॉस हुआ ना, उसको मैं शायद ग्रीव नहीं कर पाई। आपकी बातें सुनकर मुझे आज रियलाइज हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि समय मिलते ही सबसे पहले मुझे ये जो आपने प्रोसेस बताया वो मुझे शुरू करना चाहिए, अपनी हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। सो आई होप मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बातचीत सुनकर ये एहसास हुआ होगा कि जो हमें हमेशा हमारे आसपास के लोग बताते रहते हैं कि नहीं रोने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, जितनी भी चीजें ममता जी ने बताई उन सब की बातों में मत आइए, अपने दुख को देखिए, उसको पहचानिए, उसको स्वीकारिए और उसको जिस भी तरह से आप एक्सप्रेस करना चाहें, चाहे वो रोकर हो या कहीं अकेले में चीख चिल्ला कर हो, किसी भी तरह से डायरी लिख कर हो, जैसे भी आपको लगे, अपने दुख को व्यक्त जरूर कीजिए, क्योंकि अगर वो अंदर रहेगा तो फिर वो कभी हील नहीं हो पाएगा, वो जख्म हमेशा हरा बना रहेगा। थैंक यू सो मच हमको इतने खूबसूरती के साथ पूरी बात समझाने के लिए। थैंक यू ममता जी। थैंक यू।